बिहार पुलिस पर लगातार हमले हो रहे हैं। पिछले मंगलवार को ही किशनगंज से एक वीडियो आया जिसमें बालू माफियाओं ने रेत में दौड़ाकर पुलिस की पिटाई की। पुलिस रो रही थी, किसी तरह जान बचाकर भागी। इसके बाद शनिवार को सहरसा में छापेमारी करने गई पुलिस का सर फोड़ दिया गया और आज फिर एक खतरनाक वीडियो सामने आया है। आज वैशाली में अतिक्रमण हटाने पुलिस की टीम को भीड़ ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सोमवार को पुलिस कोर्ट के आदेश पर मुकुंदपुर मंगरू चौक के पास एक अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। टीम बुलडोजर के साथ थी, लेकिन पुलिस को देखते ही भीड़ भड़क गई और लाठी डंडे से हमला कर दिया। एक सप्ताह में यह पुलिस पर तीसरा हमला है जिसमें बिहार पुलिस एकदम लाचार दिख रही है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था एकदम फेल हो चुकी है? क्या लोगों में पुलिस का डर एकदम समाप्त हो गया है या माफियाओं के आगे पुलिस ने सरेंडर कर दिया है? इससे पहले भी इसी महीने में एक दरोगा को बालू माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचल दिया था जिसमें दरोगा प्रभात रंजन की मौत हो गई थी। आइए आज की घटना के बारे में भी जान लेते हैं। यह मामला महुआ थाना क्षेत्र के महुआ मुकुंदपुर मंगरू चौक का। ग्रामीणों का आरोप है कि इस जमीन पर उनके पुश्तैनी घर हैं, लेकिन इसे अतिक्रमण बताकर खाली कराया जा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर हो रही है, लेकिन ग्रामीणों ने इसमें बाधा पैदा करने की कोशिश की है। जानकारी के मुताबिक मुकुंदपुर मगरू चौक के पास एक भूखंड को लेकर रमेश उपाध्याय और इस जमीन पर रह रहे रामा पासवान के बीच विवाद था। यह विवाद बीते 30 साल से हाईकोर्ट में लंबित था, जहाँ से रमेश उपाध्याय के पक्ष में फैसला आ गया। हाई कोर्ट के ही आदेश पर पुलिस टीम इस जमीन पर काबिज लोगों को बेदखल करने पहुंची। पुलिस और प्रशासन की टीम ने अपना काम शुरू ही किया था कि इस जमीन पर झोपड़ी डालकर रह रहे लोग आक्रोशित हो गए। देखते ही देखते लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। मुकदमे में पक्षकार रामा पासवान के बेटे वैद्यनाथ पासवान ने बताया कि वह बाप दादा के जमाने से इस जमीन पर रहते आ रहे हैं। उनके बाप दादा रमेश उपाध्याय के पूर्वजों ने उन्हें बसाया था, अब वही लोग उन्हें उजाड़ रहे हैं। पीड़ितों के मुताबिक उनके पास एक धुर भी जमीन नहीं है, ऐसे में इस वक्त और इस मौसम में वह अपने बाल बच्चों को लेकर कहां जाएं। उधर ग्रामीणों के हमले की वजह से पुलिस टीम जमीन को खाली नहीं करा पाई। अब सवाल यह है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी यदि पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है तो कानून व्यवस्था का क्या? प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष के नेता लगातार आक्रामक हैं। भाजपा नेता अश्विनी चौबे ने कहा कि बिहार को 90 के दशक में धकेला जा रहा है, मजदूर डॉक्टर पलायन कर रहे हैं। मैं बिहार में तो मैंने पहले ही कहा कि बिहार संकट के दौर से गुजर रहा है। बिहार से लोग पलायन कर रहे हैं, मजदूर पलायन कर रहे हैं, डॉक्टर पलायन कर रहे हैं। आज बिहार की ये हालात फिर से 90 के दशक में बिहार को धकेलने का जो षड्यंत्र है, और ये पूरी तरह से बिहार की लोगों का और बिहार सरकार की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर पुलिस कहां चूक रही है? आखिर शराब माफियाओं, जमीन और बालू माफियाओं से निपटने के लिए बिहार पुलिस क्या कर रही है और बिहार सरकार इसे लेकर गंभीर क्यों नहीं है? इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।